सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 12 जो कि है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 12 प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो कि है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके समझे तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर तीन चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, नंबर सेकेंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नंबर थर्ड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक एक कर इसको समझते हैं। यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, आर्टिकल 12 के पर्पज से इसके अंदर आता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड डिपार्टमेंट, यानी कि अपनी जो पार्लियामेंट है वो इंक्लूड होंगी स्टेट में। अगला है द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो अब स्टेट की लेवल की जो अथॉरिटी है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है यानी कि जो लॉ बनाने वाली बॉडी होती है वो भी इसमें इंक्लूड होंगी, जो कि है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम हिंदी में विधान परिषद और सांसद मंडली कहते हैं, वो स्टेट में आएंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें जो टर्म है अथॉरिटी, तो वेबस्टर चचे की डिक्शनरी में इसका मतलब होता है द बॉडी और पर्सन एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड, यानी कि ऐसा पर्सन या बॉडी जिसको आदेश देने की पावर है। अब लोकल अथॉरिटीज का क्या, तो ये हमें बताया गया है सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में। इसमें लिखा है कि लोकल अथॉरिटीज का मतलब है म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिनका गवर्नमेंट कंट्रोल या मैनेज करती है म्यूनिसिपल और लोकल फंड से। अब अदर अथॉरिटीज क्या है, तो ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है और ना किसी स्टेट्यूट में, तो फिर कैसा। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बताया है कि सेल्स टैक्स ऑफिस जो कि सेल्स टैक्स के ऊपर बना है वो भी अदर अथॉरिटीज में माना जाएगा अंडर आर्टिकल 12। जो स्टेट्यूटरी बॉडी होती है ना, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जिसको अपन ONGC कहते हैं, और LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, IFC बोले तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कमीशन, तो ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। और ये सब पता चला था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में। और देखो अगर कोई कंपनी है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में फॉर्म हो गई है तो वो भी अदर अथॉरिटीज में आएंगी। और ये पता चला था रामाना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में। इस केस का पूरा डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब एक सवाल आता है कि स्टेट में जुडिशियरी भी आती है या नहीं, तो देखो इस पर भी बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे केस लॉ हुए, कहीं पर हाँ बोला गया कहीं पर ना बोला गया, लेकिन लास्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्सिस कमिश्नर HP में कहा था कि जब जुडिशियरी अपना रूल मेकिंग पावर यूज करती है तब जुडिशियरी को स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। फिर फाइनली AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने कहा कि कोर्ट कभी भी ऐसा लॉ या ऑर्डर नहीं पास कर सकती जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जुडिशियरी भी स्टेट में इंक्लूड होंगी। अब अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।